ये देखो भाई, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है अभी बीजेपी का यहाँ पे। वार्ड नंबर तो मेरे को पता नहीं कौन सा है, लेकिन आज हर जगह ये हाल मिलेगा। यू टर्न ले लेते हैं यहाँ से। आज है भाई 2 तारीख, 4 तारीख को दिल्ली में इलेक्शंस है। आज सारे प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा के अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भाई चाउमीन वाले भैया बोर्ड लगा के तनख्वाह मांग रखी है अरविंद केजरीवाल जी से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है सोल एंड मसल। अभी मैं आया हूं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जो कि सिंगापुर से आई थी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, उससे मिलवा ही देता हूँ आपको, लेट नहीं करते हैं। हेलो जी। हेलो भैया, कैसे हो जी आप? बहुत दिनों बाद मिले हैं। कैसा लग रहा है आपको सिंगापुर से अब इंडिया आ गए? सिंगापुर से इंडिया की मैं अपनी मम्मी की कंपेनिंग के लिए आई हूँ, जो कि खड़ी हुई है वार्ड नंबर 116 से बीजेपी से। तो मैं उनकी कंपेनिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे, अभी उनकी हेल्प करने आए हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया के। तो आपको कौन सा, सिंगापुर ज्यादा अच्छा लग रहा है या इंडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये और बता दो सवाल का। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सिंगापुर बहुत अच्छा है। एक चीज है, इंडिया हमारा महान देश है, सिंगापुर थोड़ा छोटा कंट्री है। तो ये भाई इनके हस्बैंड है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी, आपसे भी काफी सालों बाद मिले हैं अभी हम, क्योंकि ये कई लगातार 5-6 साल बाद सिंगापुर से इंडिया आए हैं, तो काफी दिनों बाद मिले हैं। हेलो जी, ये इनकी फ्रेंड है, ये प्रिया है। ये आपकी वीडियोस देखते हैं और मैं बाकी सपोर्ट करने आई हूँ सबको यहाँ पर, मतलब आंटी को खासकर जो बीजेपी की यहाँ पे लड़ रहे हैं। और प्लीज सबको, प्लीज बीजेपी को वोट दीजिए आप, ताकि आंटी जीते। तो भाई अंदर जाते हैं, आंटी जी से ही मिल लेते हैं, उनको ही सपोर्ट करते हैं। बाकी आप सब मिल गए, मेरे को भी सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है? हम मिल लेते हैं अंदर आंटी जी से। बिंदापुर वार्ड नंबर 116 से उत्तम नगर, ये आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहती हैं, तो करिए आंटी जी एक छोटी सी अपील। जी, बिंदापुर वार्ड से मैं सुधा शर्मा, वार्ड नंबर 116 है, और मैं अपील करना चाहती हूँ आपसे कि जिस प्रकार से इस वार्ड में मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मेरे संगठन में मेरे ऊपर विश्वास किया है, और मैं इस वार्ड को बहुत ही आदर्श वार्ड बनाऊंगी। और जितनी मेरे पूर्व निगम पार्षद जी थे, उन्होंने गाड़ियां लगवाई, कूड़ा उठवाया, इस वार्ड में बहुत काम करवाया, स्ट्रीट लाइट लगवाई, उसी प्रकार से मैं उस काम को आगे बढ़ाते हुए इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का तारीख का दिन होगा संडे का, कमल का फूल होगा और बैलेट नंबर 3 होगा। आप बैलेट नंबर 3 पर कमल का फूल का बटन दबाएंगे तो इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी, और जैसे जैसे कमल के फूल खिलते जाएंगे वैसे वैसे इस क्षेत्र का उसी तरह से विकास होता जाएगा। तो पहले तो इलेक्शंस में आए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? इलेक्शन में तो भैया बिल्कुल नया एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने अपने कॉलेज टाइम में इलेक्शन आया था, उसके बाद मैं सब देख रही हूँ। अच्छा, तो मतलब साफ सफाई में कैसा लगा हमारा देश वहाँ से आने के बाद? नो आंसर। और ये फिर आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया सिंगापुर में? सिंगापुर में इतनी सारी चीजें हैं कि मैं लिस्ट बनाऊंगी तो वो भी कम है सिंगापुर में। सबसे बड़ी बात तो जो उसका एयरपोर्ट है, सिंगापुर का एयरपोर्ट, वो 6 टाइम चांगी एयरपोर्ट, 6 टाइम नंबर 1 एयरपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड रहा है। और दूसरा, सिंगापुर वैसे छोटा कंट्री है, बस सेफेस्ट कंट्री है। हम कभी भी अपने घरों में ताला लगा के नहीं जाते, कभी भी जाते हैं हम कितनी भी ज्वेलरी। बताओ क्रूज है, उसकी बुकिंग कहाँ से करानी पड़ती है? क्रूज के लिए आप ना ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हो, और दूसरा आप एजेंट के थ्रू जा सकते हो। एजेंट क्या है, अपने कोटे से अलग से कोई डिस्काउंट दे देते हैं, ये है। तो उसके थ्रू जाओगे, वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा भैया कि क्या, मतलब कुछ भी होता है ना आप उसका माथा फोड़ोगे, ठीक है? हाँ, मैं आपको क्या बताऊँ, आप जाओगे ना, आप खुद ही आप रहेगा कि मैं कहाँ गया, बस मैं छोड़ के ना जाऊँ, क्रूज पे रहो, जाना वापस नहीं आना चाहोगे। तो रहने का वहाँ पे मतलब लोगों का कैसा है, कि मेल जोल से रहते हैं लोग या किसी को कोई मतलब ही नहीं? हमारे इंडियन में बात है ना कि हर किसी के पड़ोसी की ना, उसमें ना कुछ रहना ना, वो वहाँ पे मैं मिस करती हूँ, वो नहीं होता वहाँ पे, सबको खुद से मतलब है,
किसी को किसी से मतलब नहीं है, चाहे किसी की शादी हो रही है नहीं हो रही है, किसी का बच्चा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, और किसी के क्या हो रहा है, सब अपनी दुनिया में रहते हैं, फोन में घुस रहते हैं। भैया आप आइएगा अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको घुमाना। हाँ मैं आऊंगा एक बार सिंगापुर, फिर पूरा व्लॉग बनाता हूँ सिंगापुर का। हाँ, ये सही रहेगा। मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो हो जाएगा सिंगापुर की वजह से और आपकी वजह से। हाँ, ये सही रहेगा। सिंगापुर से आके ना ये तो देख लिया दिल्ली का माहौल, आप कभी आना हमारे पास रोहतक भी। हाँ, भी आएंगे, मैं अपनी बेटी को लेके। बड़ा सुंदर सा मेरे पापा ने एक फार्म हाउस बना रखा है, बिल्कुल नेचर से क्लोज है, तो आप एक बार वहाँ पे आना और वो भी देख के जाना। ठीक है भैया। भाई आज हम मिले अवंतिका जी से जो कि सिंगापुर में सेटल्ड हैं। वो इंडिया आई हुई थी अपनी माताजी के चुनाव प्रचार के लिए, आज हमने काफ़ी चुनाव प्रचार भी किया। उनकी माताजी को टिकट मिली है बीजेपी से, उत्तम नगर बिंदापुर वार्ड नंबर 116। तो सबसे पहले तो मेरी ये अपील है, जो भी लोग बिंदापुर वार्ड नंबर 116 से हैं उत्तम नगर, वो 4 तारीख को जाओ अपने अपने बूथ पे और भारी से भारी संख्या में वोट करके और उनको विजय बनाओ। और मेरी दूसरी अपील पूरी दिल्ली वासियों से है कि आपके इलाके का जो भी कैंडिडेट है, वो जो भी अच्छा कैंडिडेट है, उसको जाओ और 4 तारीख को अपने वोट करने के अधिकार का फायदा उठाओ और उसको विजय बनाओ। क्योंकि बाद में कंप्लेंट करने से अच्छा है हम अभी अपने अधिकार का फायदा उठाएं, और जो भी हमारे लिए अच्छा कैंडिडेट है वो किसी भी पार्टी से हो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी विचारधारा खुद की अच्छी हो, जो समाज के लिए काम करना चाहता हो, ये नहीं होना चाहिए कि अब तो वोट लेने के लिए वादे कर रहा हो और रिजल्ट आने के बाद अगले दिन दिखे ही ना 5 साल तक। तो जो भी आपकी नज़रों में ऐसा कैंडिडेट है कि 5 साल तक आपके इलाके में काम करवाएगा, तो आप जाओ उसको वोट दो और अपने इलाके को तरक्की, अपने इलाके की तरक्की होने में अपना हाथ बटाओ। तो भाई ये था आज का व्लॉग, राम राम, थैंक यू, अब मिलते हैं कल। ये देखो भाई आज दिल्ली के ट्रैफिक का हाल है, लगता है आज टाइम से नहीं पहुंच पाऊंगा, 2 से 3 घंटे कम से कम हो चुके हैं ट्रैफिक में खड़े हुए, ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है भाई आज।